दोस्तों ये हैं दो कजन्स, एक का नाम है टोनी और दूसरे का नाम है विकी। टोनी जो है वो एक फेमस मल्टीनेशनल टेक कंपनी में जॉब करता है और साल का 24 लाख से ज्यादा कमा लेता है। वहीं दूसरी तरफ विकी का खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर है, यानी कि विकी ऑनलाइन सामान बेचता है और साल का लगभग 8.5 लाख रुपए कमा लेता है। तो अब आप दोस्तों इन दोनों को देख के बताओ कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है। ऑब्वियसली आप कहोगे कि टोनी ज्यादा अमीर है, क्योंकि टोनी साल के 24 लाख कमाता है जो कि विकी की इनकम से 3 गुना ज्यादा है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट कैसा हो अगर आपको जानने को मिले कि टोनी को 24 लाख कमाने के लिए हफ्ते में 48 घंटे गदा मजदूरी करनी पड़ती है, जबकि विकी दूसरी साइड अपनी मनपसंद जगह पे रह के और केवल हफ्ते के 4 घंटे काम करके 8.5 लाख रुपए कमा लेता है। दोस्तों अब बताओ कि सही मायनों में अमीर कौन है। अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो टोनी ज्यादा अमीर दिखता है, लेकिन टाइम को भी कंसीडर किया जाए तो विकी ज्यादा अमीर है, क्योंकि 1 घंटा मेहनत करने के बदले टोनी केवल 1041 रुपए कमा रहा है। हाउएवर विकी दूसरी तरफ 1 घंटा मेहनत करने के बदले में 4375 रुपए कमा रहा है। एंड अब टाइम कंसिडरेशन के बाद इट इज क्लियर कि विकी ही ज्यादा अमीर है। देखो दोस्तों बात यह है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां जो जितना ज्यादा पैसा कमाता है उसको उतना ही अमीर समझा जाता है। नो मैटर आपको उस पैसे को कमाने के लिए दिन में कितने ही घंटे काम क्यों ना करना पड़ता हो, आपके पर्सनल रिलेशन खराब क्यों ना होते हो, या चाहे आपकी हेल्थ बिगड़ती क्यों ना हो, बट आपको आपकी इनकम के बेसिस पे ही जज किया जाता है। और इसी माइंडसेट के कारण आज कई सारे लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। सोसाइटी के इसी पुराने बिलीफ को तोड़ता है ऑथर टिम फेरिस द्वारा बनाया गया एक कंसेप्ट न्यू रिच। कौन होते हैं ये न्यू रिच? न्यू रिच कोई भी वो इंसान होता है जो सोसाइटी के बनाए पुराने बिलीफ्स को तोड़ते हुए अपने लिए सक्सेस के नए पायदान तैयार करता हो। ये लोग जानते हैं कि सक्सेस का मीनिंग सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि उस पैसे को एंजॉय कर पाने की आजादी ही रियल सक्सेस होती है। न्यू रिच लोग मालदीव्स के ब्यूटीफुल वाटर विलाज में बैठ के नेचर के ब्यूटीफुल व्यूज को एंजॉय करते हुए भी काम कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कर पाने की फ्रीडम होती है। तो दोस्तों कैसे हम और आप भी इस न्यू रिच की श्रेणी में आ सकते हैं, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में ऑथर टिम फेरिस की बुक द 4-आवर वर्क वीक की मदद से। सो लेट्स बिगन। तो आइए दोस्तों मैं आपको मिस्टर सिंह से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मिस्टर सिंह एक बेहद ही जिंदा दिल इंसान थे। वो होते हैं ना लाइफ में कुछ ऐसे लोग जिनके साथ बातें करना सबको पसंद होता है, बस कुछ इसी तरह के इंसान थे हमारे मिस्टर सिंह। हर समय अच्छी बातें करने वाले और माहौल बना के रखने वाले। लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ तभी तक थी जब तक वे कॉलेज से पास आउट नहीं हुए थे, बिकॉज जैसे ही उनके हाथ डिग्री आई उनको स्ट्रिक्टली ये कह दिया गया कि अब उनको बस अच्छी नौकरी करनी है, जैसे कि उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद हो, पैसे कमाना। खैर फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में आके मिस्टर सिंह ने भी जॉब्स के लिए आवेदन देने स्टार्ट कर दिए और लकीली उसे जल्दी ही एक अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल भी गई। मिस्टर सिंह की इस अचीवमेंट को सबने अच्छे से सेलिब्रेट किया, उसके पेरेंट्स ने भी बहुत प्राउड फील किया। लेकिन अब जो आगे होने वाला था, यानी हर रोज 10-10 घंटे की जो शिफ्ट लगने वाली थी, उसके बाद मिस्टर सिंह का जो हाल होने वाला था वो तो केवल मिस्टर सिंह ही जानता था। खैर दिन बीतते गए और मिस्टर सिंह अपनी नौकरी से आ रहे प्रेशर से परेशान होने लगा। 10-10 घंटे लगातार बस कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहना, ऊपर से बॉस के ऑर्डर्स को मानना, सीनियर्स के भी प्रोजेक्ट्स को संभालना मिस्टर सिंह के लिए मुश्किल होने लगा। उसने सोचा कि कुछ समय के लिए लीव ले लेता हूँ, लेकिन जब लीव के लिए अप्लाई किया तो वो भी रिजेक्ट हो गई और एक्सक्यूज ये दिया गया कि जितने दिन की लीव चाहिए उतनी दिन की सैलरी कट कर दी जाएगी। अब दोस्तों आप ही बताओ क्या आप इसे आजादी कहते हो? मिस्टर सिंह सिर्फ अच्छे पैसे कमा रहा है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, ना अपनों के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम है, ना कहीं घूमने जाने की आजादी। अपने ऐसे लाइफस्टाइल से परेशान होकर एक दिन मिस्टर सिंह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और सोच रहा था कि यार ऐसा कब तक चलता रहेगा, जिंदगी भर ऐसे घुट घुट के तो मैं नहीं जी सकता। इसलिए उसने उस दिन दो बातें डिसाइड करी। नंबर 1 कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी इस नौकरी से छुटकारा पाना है, और नंबर 2 मुझे एक ऐसा सिस्टम रेडी करना होगा जिससे मैं बस थोड़ा सा समय देकर और जहां से चाहूं, जिसके साथ चाहूं, जब चाहूं काम करके भी पैसे कमा सकूं। वंस ये डिसाइड करने के बाद मिस्टर सिंह ने बिना देरी किए अपने प्लान पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट थिंग मिस्टर सिंह ने करी कि उसने सारे फालतू के काम एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट काम है बस उन्हीं पे उसने फोकस करना स्टार्ट किया। जैसे कि जब कभी उसके सीनियर्स उसको उनका प्रोजेक्ट करने को कहते तो वो उनको पोलाइटली मना कर देता। ऐसा करने से उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय बचने लगा, जिसका इस्तेमाल उसने अच्छी बुक्स रीड करने, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स रीड करने में दिया। और ऐसा करने से उसके माइंड में एक आइडिया आया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। एंड हेंस मिस्टर सिंह को अपनी जॉब से बाहर निकलने का एक आइडिया मिल गया। उसने तुरंत ही अपने इस आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया। उसने सारी टेक्निकल टर्म्स जैसे SEO, कीवर्ड्स, सब चीजों के बारे में एक थोरो रिसर्च करी और ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट कर दिए। शुरू में उसे बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिला, जिस कारण उसे कई बार निराशा भी हुई, लेकिन वो डटा रहा, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता गया, इम्प्रूवमेंट करता गया।
और कुछ सालों की मेहनत के बाद उसका ब्लॉग सर्च इंजन पे रैंक करने लगा। मिस्टर सिंह अपने इस ब्लॉग से थोड़ा अर्न भी करने लगा। अब बारी थी नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करने की, विच वॉज ऑटोमेशन। देखो, अगर आपने एक वेंचर स्टार्ट किया है और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना काम नहीं चलता है तो वो एक बिजनेस नहीं है, बल्कि बस खुद के लिए एक एम्प्लॉयमेंट है। इस तरह का बिजनेस करने से तो बेहतर है कि आप जॉब को ही कंटिन्यू करें, बिकॉज इसमें तो जॉब से भी ज्यादा प्रेशर होगा। इसलिए ऑटोमेशन की पावर का इस्तेमाल करो। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ढूंढने जाओगे तो आपको हर गली में खुद से ज्यादा टैलेंटेड लोग मिल ही जाएंगे। सो अगर आपको न्यू रिच बनना है तो आपको इस टैलेंट का इस्तेमाल अपने हित के लिए करना आना चाहिए। मिस्टर सिंह ने भी इस ऑटोमेशन की पावर का इस्तेमाल किया और जो भी रिपीटेटिव टास्क थे, जैसे कि SEO करना, टॉपिक रिसर्च वगैरह करना, इन सब टास्क को उसने आउटसोर्स कर दिया और खुद सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पे फोकस करने लगा। ऐसा करने से उसके ब्लॉग की ग्रोथ काफी स्पीड से होने लगी। आफ्टर फ्यू इयर्स उसे अपने ब्लॉग से इतनी अर्निंग होने लगी कि वो अपनी जॉब को क्विट करने का डिसीजन ले पाया। अब मिस्टर सिंह एक फुलफिलिंग लाइफ जी पा रहा है। वो अपनी जॉब जितना तो नहीं कमा रहा, लेकिन जितना वो समय अपने ब्लॉग पे देता है उसका कंपैरिजन अगर जॉब में दिए जाने वाले समय से किया जाए तो मिस्टर सिंह बहुत ज्यादा कमा लेता है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने कमाए पैसों को एंजॉय कर पा रहा है। उसका जहां मन करता है वो वहां से अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है, कभी अपने घर से, कभी अपने ऑफिस से, तो कभी वेकेशन पे गया हो तो वहां से। इन शॉर्ट, अब वो न्यू रिच की कैटेगरी में आ चुका है। खैर दोस्तों, मिस्टर सिंह की कहानी तो रियल नहीं है, बट डिस्पाइट कि एक फिक्शनल स्टोरी है, आप सब लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं अपनी करंट सिचुएशन से परेशान हो और न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हो, जो करना 100% पॉसिबल है। बट देखो, ये एक दिन में तो नहीं होने वाला। कामयाबी हमसे ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा हार्ड वर्क और बहुत सारा पेशेंस डिमांड करती है। ऑल्सो आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्या आपको सिर्फ हफ्ते में 4 घंटे काम करना होगा? तो शायद नहीं, हो सकता है आपको इससे ज्यादा काम करना पड़े और शुरू में तो दिन रात भी मेहनत करनी पड़ सकती है। बट हाँ, इतनी बात तो पक्की है कि न्यू रिच की कैटेगरी में आने से आप एक फुलफिलिंग लाइफ जरूर स्पेंड कर सकते हो। और मिस्टर सिंह की स्टोरी में जो ब्लॉग का एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं है कि आपको भी ब्लॉग ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आज के समय में ढेरों ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें ऑनलाइन बस एक लैपटॉप और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की मदद से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ना ही किसी ऑफिस की जरूरत आपको पड़ेगी और ना ही टीम के टाइम पे ऑफिस आने की आपको टेंशन रहेगी। फ्रीलांस और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से आप इजीली अपने लिए अच्छे फ्रीलांस वर्कर्स को हायर करके काम करवा सकते हो। और बात रही ऑनलाइन कामों की, तो आप सिंपली इंटरनेट पे बेस्ट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन लिख के सर्च कर सकते हैं। आपको ढेरों ऑनलाइन पैसा कमाने के आइडियाज मिल जाएंगे, जिसमें से आप किसी भी आइडिया को चूज करके उस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो और पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। होप आपको टिम फेरिस की बुक द 4-आवर वर्क वीक की ये वीडियो समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।